आसिम रियाज के भाई उमर रियाज ने किया एजाज खान का सपोर्ट। चलिए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं स्निग्धा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दें कि बिग बॉस 13 के मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट के तौर पर आसिम रियाज काफी ज्यादा उभर कर आए थे। ऐसे में आपको बता दें कि उनके भाई भी इस बार बिग बॉस सीजन 14 को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उनका मानना है कि बिग बॉस सीजन 14 में एजाज खान जो इस बार जो आपको बता दें कल जो उन पे इल्जाम लगे थे, जो जासमिन बसी ने इल्जाम लगाए, जो रुबीना दिलैक ने इल्जाम लगाए, वो बिल्कुल बेबुनियाद थे। उनका मानना है कि एजाज खान वाकई एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने अपने ऊपर कैरेक्टरलेस होने का इल्जाम लगने के बाद भी जितने कामली और पेशेंटली सिचुएशन को हैंडल किया और जवाब दिया, वो वाकई तारीफ काबिल है। ऐसे में एजाज खान वाकई बिग बॉस 14 में रहना डिजर्व करते हैं और साथ ही साथ एजाज खान काफी बोल्ड अवतार में उन्होंने जवाब भी दिया है और साइलेंटली जवाब दिया है और अपने कैरेक्टर पर एक उंगली नहीं उछलने दी है। इस वजह से एजाज खान एक अच्छे खिलाड़ी हैं और काफी अच्छा कर रहे हैं गेम शो के दौरान। इस तरीके से आपको बता दें कि उमर रियाज ने एजाज खान को सपोर्ट किया है और यह फिलहाल आपको बता दें कि स्पेशली एजाज खान के लिए उमर रियाज ने ट्वीट किया है। इस तरीके से आपको बता दें कि उमर रियाज फिलहाल बिग बॉस 14 को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम अपनी टिप्पणी काफी बार वह देखते हुए दिखे हैं। ऐसे में अब आपको बता दें, अगर हम बात करें आसिम रियाज की, तो आसिम रियाज की तरफ से भी यह खबरें आ रही थी लगातार कि आसिम रियाज घर के अंदर दिखने वाले हैं, यानी बिग बॉस सीजन 14 में एंट्री करने वाले हैं एज अ तूफानी सीनियर। फिलहाल अब तो यह वक्त ही बताएगा कि एज अ तूफानी सीनियर एंट्री करने वाले हैं या नहीं। जरूर बताइए अपने ओपिनियंस हमारे कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है एजाज खान कितने सही हैं और कितने गलत, जरूर बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में। और तमाम बॉलीवुड खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।